हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 2014 से। अभी हम 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाने जा रहे हैं। योग मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है, इसे यही मेडिटेशन है। अब सत्य क्या है? सत्य की दो क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। इंसान दो चीज़ से बना हुआ है, एक सॉयल, भारी आवरण शरीर, और दूसरा जो है सोल। तो जब जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी रोल मटेरियल, ये आउटर सेल्फ है, ये अनस्टेबल है, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और इससे ही पांच विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, उससे एंजाइटी पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे हमारा मूड ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है, और मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जब मूड हमारा ख़राब होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम रॉन्ग फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। जबकि योग या मेडिटेशन क्या है? वो सोल कॉन्शियस अप्रोच है। जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं, स्टेबिलिटी आती है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके अंदर जो आत्मा के साथ इननेट क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप आग की फर्नेस के पास जाएं, तो वहाँ पर जो है क्या होगा, अपने आप गर्मी लगती है, मांगनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जब सोल कॉन्शियस होते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर सात एनर्जीज आपके अंदर मैनिफेस्ट करती हैं, और जब कर्म व्यवहार में आते, तो आपके अंदर दैवी गुण जैसे सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, एकाग्रता, दृढ़ता, मधुरता, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ जो जीवन में व्यवहार के, हमारे अच्छे व्यवहार को अच्छा बनाती हैं। और जब ऐसा आदमी होता है, तो उसको एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, मूड हमेशा अच्छा रहता है, तो ये हेल्दी फूड खा सकता है। ये खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा, ये जीने के लिए खा रहा है। इस आदमी को नींद एकदम से आती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। 10 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो काफ़ी समय एक्सरसाइज करने का, खुली हवा में फ्रेश सनराइज के बाद ऑक्सीजन करने का मिलता है। जो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं हम, इसमें हम सारे विश्व को ये संदेश दें कि राजयोग मेडिटेशन एक पेनेशिया है, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, और अपने साथियों को, अपने घर के परिवार के मेंबर्स को, और अपने समाज के मेंबर्स को, अपने देश को, और सारे विश्व को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। ओम शांति।